भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में जो बालियों में दाने हैं वो सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, सफ़ेद होने के कारण क्या हैं और कौन से उपाय हैं जिसके कारण हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब गोब की अवस्था में हमारी बाली होती हैं यानी तने में बालियाँ बनना जब शुरू हो जाती हैं उस समय किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं। वहाँ पर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों दवाओं का स्प्रे करना होता है, जिसका स्प्रे किसान भाई सही टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है जो रस चूसक कीट हैं और बहुत प्रकार के ऐसे कीट होते हैं जो धान की बालियों पर सीधा आक्रमण करते हैं। उसमें जो दुग्धावस्थी बालियाँ निकलती हैं उसमें जो दाने का भराव दुग्धावस्था होता है वो सीधे वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं और उसका दाने का सारा रस चूस लेते हैं, इसलिए दाने खोखले हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में इसे फरहा बोलते हैं कि जब धान की कटाई होती है तो उसमें फरहा ज़्यादा हो जाता है, यानी दाने उसमें पिचके हुए रह जाते हैं, दाने ठोस नहीं बन पाते हैं, इस कारण हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। तो अगर सही समय पर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो इस रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। जो रस चूसक कीट होते हैं आप देखते होंगे दाने पर बैठते हैं, जब तक वहाँ पर दाने का जो भराव होता है वो रस चूस लेते हैं पूरा का पूरा। आप वहाँ पर बालियाँ आप पौधे का हिलाएंगे भी तब भी वो हटते नहीं, इतने मतलब बहुत ज़बरदस्ती से चूसते हैं। इसका कारण किसान भाई ये होता है कि वो ऐसे रस चूसक कीट होते हैं, अगर उनको जो दवा का स्प्रे है अगर सही समय से सही डोज आप नहीं देंगे तो पूरे के पूरा जो धान आपने रोपाई की है उससे आपकी लगभग आधी परसेंट ही पैदावार आप ले पाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम ऐसे इसमें एक स्प्रे बताएंगे जो अगर स्प्रे सही टाइम पर कर देंगे तो धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे, धान की फसल में जब बालियाँ कुछ परसेंटेज बालियाँ निकल आती हैं तो वहाँ पर आपको एमडा क्लोरोपेट जो 17.8% एसएल फॉर्म में आती है, अति परसेंटेज की तो 17% के आपको नीचे नहीं लेना है, ऊपर आप ले सकते हैं क्योंकि इसके नीचे लेंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो इसकी आप अगर डोज स्प्रे कर देते हैं तो धान की फसल में जो रस चूसक कीट हैं, गंधीवक कीट हैं, हल्दी रोग है, जो भी समस्या देखने को मिल रही है इससे आप समय से नियंत्रण कर पाएंगे। बात होती है समय से, अगर समय से किसी चीज़ का नियंत्रण हो जाता है तो उसकी पैदावार किसान भाइयों अच्छी होती है। अगर समय निकल जाता है तो आप कोई भी दवा, फंगीसाइड दवा हो, कोई भी गंधीवक कीट हो, हल्दी रोग की दवा हो डालें, लेकिन वहाँ पर फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। जब बालियाँ निकल रही होती हैं, कुछ बालियाँ निकल आती हैं तभी आपको स्प्रे कर देना होता है। और इसके साथ किसान भाइयों आप एक एनपीके भी ले सकते हैं, उस एनपीके का नाम है NPK 0534। इस समय जब गोब की अवस्था होती हैं, कुछ बालियाँ निकल आती हैं, कुछ बालियाँ निकलना शेष रह जाती हैं, तो NPK 0534 फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% हमारा पोटेशियम पाया जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, फास्फोरस का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी जो पौधे से बालियों तक भोजन पहुंचाने का कार्य जो है वो फास्फोरस करता है। पोटेशियम यानी पोटास से दाने का भराव भी अच्छे से होता है, उसमें जो बालियाँ बनती हैं वो भी लंबी बनती हैं, मोटी बनती हैं और दाना भी वजनदार बनता है। जो हमारी दाना बनेगा वो ठोस बनना चाहिए, जब ठोस हमारा दाना होगा तभी आपकी अच्छी पैदावार मिलेगी। तो उस समय किसान भाइयों गोब की अवस्था है तब आपको पानी की भी विशेष ध्यान देना है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है या फिर बालियाँ निकलने के पहले अच्छी बारिश हुई थी, इस बीच में बारिश नहीं हुई है, जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो आपको सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी से ही हमारी बालियाँ अच्छी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी, दाना भी वजनदार बनेगा, क्योंकि भोजन एक प्रकार का वहाँ पर अच्छी प्रकार से बनेगा, तो सिंचाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आती हैं यानी फ्लॉरिंग वाली स्टेज ख़त्म हो जाती है, इसके बाद दाना का भराव होना चालू हो जाता है,
तो इस टाइम पर किसान भाइयों पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको NPK जो 0050 आता है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। कभी कभी किसान भाई हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसल में बालियां तो निकल आई हैं, बालियां निकलने के साथ ऊपर की पत्तियां जो होती हैं फ्लैग वाली पत्ती, मतलब ऊपर जो सीधी वाली पत्ती खड़ी रहती है उसको झंडा पत्ती या फ्लैग पत्ती बोलते हैं, वो हमारी पीली नज़र आती है, पूरे खेत में पीली पीली नज़र आती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको NPK 13045 का स्प्रे करना है। इसमें 13% नाइट्रोजन होती है, एक तरीके से जो पीली पत्ती बनी है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर आप दानेदार यूरिया न डाल करके आपको स्प्रे करना होता है। दानेदार यूरिया आप डालेंगे तो यहाँ पर फायदे की जगह 100% नुकसान मिलेगा, बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आती हैं और रिजल्ट भी आपको बहुत ही देर में मिलेगा और स्प्रे करने के माध्यम से किसान भी तुरंत रिजल्ट मिलेगा और वहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 45% हमारा पोटेशियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी हमारा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो 13045 का स्प्रे कर सकते हैं 1 से 1.5 kg। और किसान भाइयों अच्छी प्रकार से घोल तैयार कीजिए और स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय आप लगभग 10 से 11 बजे बाद ही स्प्रे कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, पत्तियाँ हमारी गीली हो जाती हैं, पत्तियाँ जब सूख जाएँ तभी आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आती हैं तो खेत में ज़्यादा पानी का भराव बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है, इससे हमारी रोग लगने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नमी रखिए, इतना पानी रखिए कि वहाँ पर जल्दी मिट्टी ग्रहण कर ले। तो किसी प्रकार की जानकारी लेना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए और किसी प्रकार की समस्या तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।